हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आज है संडे और ये है मेरी संडे अपडेट की वीडियो। जैसा कि संडे अपडेट में लास्ट वीक भी हमने कुछ काम किए थे मेरे गार्डन में, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की थी, तो कौन कौन से प्लांट्स की क्या क्या अपडेट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऊपर से बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर मैं सभी प्लांट्स की वीडियो आपको दिखाऊंगा ये संडे अपडेट की वीडियो में, बाद में वीडियो की लेंथ 25 मिनट से ऊपर चली जाएगी, तो बहुत सारे व्यूअर्स की कंप्लेंट है। तो इसीलिए जो भी मेन प्लांट्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके ऊपर मुझे अपडेट देनी है। तो जैसा कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो देसी रोज़ का प्लांट है इसके ऊपर पेस्ट लगे हुए थे, तो मैंने पेस्टिसाइड अप्लाई किया था, इंसेक्टिसाइड, उसके ऊपर एक वीडियो मौजूद थी मेरी। लगभग 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने को मिल रहा है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट संडे पे हमने देखा था कि ये जितने भी प्लांट के ऊपर नई शूट्स निकलने वाली थी, अभी इसके लीव्स थोड़े बड़े हो गए हैं और दूसरे पीछे से नए शूट्स और दूसरे निकल रहे हैं। ये भी यहाँ से भी जो छोटे छोटे लीव्स थे अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और उनकी हेल्थ भी अच्छी है यहाँ से भी। और फ्लावरिंग के बर्ड्स भी बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे। अभी तो मुझे एट प्रेजेंट 3 फ्लावरिंग बर्ड्स दिख रहे हैं, मैं अभी आपको गिना देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये एक छोटा सा फ्लावरिंग वाला बर्ड निकल रहा है और दूसरा एक यहाँ निकल रहा है, और यहाँ पे सारे नए लीव्स और शूट्स डेवलप हो रहे हैं, और तीसरा एक फ्लावरिंग बर्ड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे निकल रहा है। तो अभी ये जो प्लांट है फुल फ्लैश पे ग्रो हो रहा है मेरा जो रोज़ प्लांट है, क्योंकि बस हमने एक ही चीज़ इसके अंदर हमने देखी थी कि इसके ऊपर ब्लैक लीव्स हो रहे थे, जो स्टेम्स थी उसकी ब्लैक हो रही थी, लीव्स उसके कर्ल हो रहे थे, तो हमने कुछ किया नहीं, बस पेस्टिसाइड इसके ऊपर अप्लाई किया, वाटरिंग जो हमें करनी थी वो हिसाब से हमने वाटरिंग की और प्लांट को मेंटेन किया, जो फर्टिलाइज़र्स देने थे बाद में जो मैंने फर्टिलाइज़र्स इसको प्रोवाइड किए, तो अब मेरा प्लांट ये बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरे विंटर प्लांट्स हैं, जैसा कि ये कैलेंडुला है और पेटूनिया है जो अभी मरने की तैयारी है। देखिए फ्रेंड्स, पेटूनिया की हालत तो ख़राब हो ही रही है, अब कैलेंडुला भी धीरे धीरे मुझे नहीं लग रहा है कि लंबे टाइम तक चलेगा। वैसे इसके ऊपर बर्ड्स तो निकल रहे हैं, क्योंकि कैलेंडुला के नेचर में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करना, तो फ्लावरिंग तो वो करता रहता है, लेकिन अभी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। देखते हैं, जब तक ये प्लांट रहेगा तब तक मैं इसको रखूँगा। दूसरा ये है क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम तो एक तो मेरा पूरा मर गया है, दूसरे भी मरने की तैयारी है, और तीसरा अभी कुछ ठीक ठाक कंडीशन में है, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा क्रोसेंड्रा का प्लांट जो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग कर रहा है। इसके ऊपर भी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये प्लांट के केयर के बारे में मैंने आपको वो वीडियो में बताया हुआ है, और देखिए फ्रेंड्स फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हो रहे हैं इसके ऊपर। और ये है मेरा दूसरा देसी रोज़ का प्लांट, देखिए उसके ऊपर भी एक फ्लावरिंग बर्ड निकल रहा है और इसकी कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है अभी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो पेटूनिया है वो भी, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो सिल्वर डस्ट प्लांट है उसकी कंडीशन अच्छी है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और ये सारे मेरे मिर्ची के प्लांट हैं, मिर्ची के प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक प्लांट के ऊपर मिर्ची लगी हुई है, कुछ हरी मिर्च लगी हुई है, कुछ लाल मिर्च लगी हुई है, और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। अब जो भी ये छोटे छोटे गमले में मैंने प्लांट को ग्रो किया है, तो मुझे लगता है कि अभी 2 से 3 महीने के बाद इसके अंदर रूट माउंडिंग शायद स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे इसको रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक प्लांट की रूट बाउंडिंग नहीं होती तब तक हमें प्लांट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जो मिर्ची के प्लांट है वो तो अच्छे ग्रो हो रहे हैं अभी। और ये है स्पाइडर लिली। स्पाइडर लिली के ऊपर मेरे एक व्यूअर की कमेंट आई है कि उनको एक वीडियो चाहिए, लेकिन अभी तो इसके फ्लावरिंग्स होके कंप्लीट हो गए हैं, अभी ये एक फ्लावर निकलेगा बाद में। ये प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा कि इसकी केयर हम किस हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा लेमन प्लांट। लेमन प्लांट की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, लेकिन इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं हो रहे, यही एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके ऊपर सारी नई शूट्स निकल रही है, देखिए यहाँ से नए ग्रोथ हो रहे हैं, और लीव्स की क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है प्लांट पे, और सारे लीव्स मेरे हेल्दी है। ऐसे नहीं है कोई कोई लीव्स येलो है या तो डैमेज है, लेकिन सारे लीव्स मेरे बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। प्लांट बुशी होता जा रहा है, लेकिन फ्लावर्स नहीं हो रहे। अब मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया, प्लांट के ऊपर थोड़ा मुझे अभी डिपेंड करना पड़ेगा। प्लांट की जब इच्छा होगी तब वो फ्लावरिंग करेगा अपने हिसाब से।
तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइनसेटिया में लाया था, ये विंटर सीजन का प्लांट है, लेकिन अभी ये प्लांट मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। एक्चुअली ये प्लांट को मैं अच्छी तरह स्टडी कर रहा हूँ कि हमें किस हिसाब से इसकी केयर करनी है, इसीलिए हम अभी इसके ऊपर मैंने आज तक अभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ, नज़र मार रहा हूँ कि ये प्लांट मेरे यहाँ कैसे ग्रो कर रहा है और किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। देखिए इसके ऊपर सारे नए लीव्स आ रहे हैं। मेरी हर एक संडे अपडेट की वीडियो में मैं ये प्लांट के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी आप भी ये मेरे प्लांट्स के ऊपर थोड़ा नज़र मार लीजिए कि किस हिसाब से ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए हैं, ये बर्ड्स में से लीव्स डेवलप होते हैं। तो ये सारे जो पॉइनसेटिया है वो पहली बार मैं अपनी लाइफ में लाया हूँ और बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी नेक्स्ट सीज़न में मैं ये प्लांट की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दूंगा, लगभग 8 से 10 गमले में इसके करने वाला हूँ नेक्स्ट सीज़न में। तो बस ये दूसरा एक छोटा सा पॉइनसेटिया लाया था, इसके ऊपर पिंक कलर के लीव्स होते हैं और इसकी भी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो रही है। और ये है हमारा गंधराज का प्लांट, यानी कि गार्डेनिया के प्लांट। अब गार्डेनिया के प्लांट के ऊपर मुझे एक चीज़ अच्छी नज़र में आ रही है, वो है उसके नए लीव्स और फ्लावरिंग नए डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्लावर आपको दिख रहा है वो नया फ्लावर डेवलप हुआ है, ये भी नया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये प्लांट शायद मुझे अभी फ्लावरिंग पूरे कंप्लीट करके देगा। शायद इसके बर्ड्स गिर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि ये प्लांट अच्छी कंडीशन में है। तो नए शूट्स तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि प्लांट को थोड़ा और टाइम चाहिए मेरे गार्डन में। तो वाटरिंग करनी है फ्रेंड्स, अभी मैंने वाटरिंग प्लांट के अंदर नहीं की। तो जो जो प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है वो प्लांट को मैं आज पानी भी दे दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मेरे विंकास हैं, विंकास के लीव्स कर्ल हो गए क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर वाटरिंग नहीं की। तो अगर प्लांट के पानी कम हो तो चलेगा, लेकिन प्लांट में जब पानी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत वाली बात है। अगर मैं इसके अंदर वाटरिंग कर दूंगा तो बाद में सारे इसके लीव्स सही हो जाएंगे। और ये सारे मेरे मैरीगोल्ड्स के प्लांट हैं, मैरीगोल्ड के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है। एक मेरे कमेंट आई थी कि उनके मैरीगोल्ड के बारे में भी उनको जानना है, तो वो भी मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स। इतने सारे वीडियोस बनाने हैं लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे मेरे काम पे भी ध्यान देना है। और देखिए ये छोटे छोटे मैंने सीडलिंग्स ग्रो किए हैं ये मैरीगोल्ड के। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये टाइगर रोज़ का प्लांट था जिसको हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी ये प्लांट अल्टीमेटली मर गया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, प्लांट को उखाड़ देना है, इसमें से इसके रूट्स अंदर बहुत ही अच्छी तरह जाम हो गए हैं, तो मैं बाद में इसको निकाल दूंगा। देखिए इसकी स्टेम पूरी ब्लैक हो गई है, तो अभी इसको साइड पे ही रख देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा पेंटास का प्लांट, गर्मियों की असर इसके ऊपर भी हो रही है, इसके ऊपर भी सारे इसके लीव्स जो है बर्न हो रहे हैं, और एक बाजू ये प्लांट फ्लावरिंग भी कर रहा है लेकिन एक बाजू इसके लीव्स बर्न भी हो रहे हैं। तो गर्मी की इफ़ेक्ट इसके ऊपर भी पड़ रही है, क्योंकि अभी फ्रेंड्स हमारे सिटी में गर्मी कभी 40 डिग्री या तो 41 डिग्रीज पे भी चला जाता है, तो कभी 36-38 पे भी आ जाता है, तो टेम्परेचर का कुछ ठिकाना नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे मेरे क्रोटॉन्स हैं जो अभी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, ये सारे समर सीजन्स के प्लांट्स हैं जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं मेरे। और दूसरा एक साल्विया का प्लांट था जो लास्ट संडे अपडेट की वीडियो में बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अभी इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो इसलिए मैंने इसको अभी शेडी एरिया में रख दिया है, क्योंकि नहीं लगता मुझे कि ये अभी गर्मियों में टिक सकेगा, लेकिन फिर भी बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये है सिंगोनियम प्लांट, जो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, और ये प्लांट भी मेरा बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा है। और एक मनी प्लांट मैंने इसके अंदर ग्रो किया था, और ये प्लांट का नाम भी मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स, आप देखिए और मुझे बताइए। ये एक इंडोर प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है, तो ये प्लांट के बारे में भी ये प्लांट भी मेरा अच्छा ग्रो हो रहा है, और इसका नाम आप प्लीज़ आप जानते हो तो आप इसका नाम भी मुझे बता सकते हैं। तो ये सारे मेरे एलिफेंट ईयर्स के प्लांट हैं, और ये मेरा मनी प्लांट है। मनी प्लांट को आज मैं थोड़ा और सही करूँगा, और ये बुशी होता जा रहा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो रही है। ये सारे मेरे स्पाइडर प्लांट हैं जो रबर प्लांट हैं फ्रेंड्स। ये सारे मेरे एडेनियम हैं, एडेनियम की कंडीशन अभी अच्छी है, छोटे छोटे सीडलिंग्स अब इसके डेवलप हो रहे हैं, प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर लीव्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। देखिए कितने सारे लीव्स इसके ऊपर निकल चुके हैं, तो एडेनियम की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है मेरी। यहाँ पे भी मैंने एडेनियम ग्रो किए हैं, इसकी भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है।
और देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे, ये कैप्सिकम के सीड से मैंने ये प्लांट सीडलिंग्स डेवलप किए हैं और इसके ऊपर अभी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये प्लांट अभी बड़े हो रहे हैं, ये प्लांट अभी मेरे सर्वाइव कर जाएंगे। जो भी प्लांट्स ख़राब थे वो मर गए और जो प्लांट्स अभी बच गए हैं ये मुझे लंबे टाइम तक मेरे गार्डन में रह सकते हैं। ये कुछ जीनिया के प्लांट्स है जो अभी इसके अंदर ही है, मैंने अभी इसको रिपोर्ट नहीं किया है। और ये सारे गोम्फ्रिना के प्लांट्स हैं और ये है सेलोसिया। और फ्रेंड्स देखिए, ये कॉस्मोस है, कॉस्मोस भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, ये गोम्फ्रिना। तो कुछ प्लांट्स मेरे अच्छे हो रहे हैं ग्रो, और ये सारे कैप्सिकम के कुछ प्लांट्स हैं जो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, कुछ प्लांट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा कनेर का प्लांट, ओलियंडर का प्लांट, जो बहुत ही बढ़िया बुशी होता जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन इसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स नहीं होती। तो बस मैं भी इसको अभी ये प्लांट को टाइम दूंगा, जब इसकी इच्छा होगी तब ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग करेगा। ये मेरा मोगरा का प्लांट है, मोगरा का प्लांट भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर मुझे फ्लावरिंग्स नहीं दिख रही अभी तक। ये प्लांट ने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं की है, फर्टिलाइजर्स तो मैंने अच्छे खासे इसके अंदर डाले हुए हैं लेकिन प्लांट अपनी ग्रोथ पे पूरा ध्यान दे रहा है, पूरे नए लीव्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा हर्शिंगर का प्लांट, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि इसके फ्लावरिंग जाके कंप्लीट हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ से कट कर लिया है ताकि न्यू ग्रोथ वहाँ से डेवलप हो सके। और यहाँ पे भी उसकी एक दूसरी ब्रांच अच्छी खासी डेवलप हो रही है। फ्रेंड्स ये है हमारा मिनिएचर रोज़, यानी कि बटन रोज़। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, इसको ओवर वाटरिंग की तकलीफ हो गई थी उसकी वजह से। तो अभी ये प्लांट की कंडीशन मुझे अच्छी दिख रही है, देखिए कुछ नए लीव्स भी इसके ऊपर अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं और कुछ लीव्स इसके अभी भी थोड़े ब्राउन हो रहे हैं। तो वो तो जो पुरानी इफ़ेक्ट्स होगी उसकी वजह से होगी, लेकिन जो भी नए लीव्स अभी मेरे आ रहे हैं ये प्लांट के ऊपर अभी अच्छी कंडीशन में ग्रो करेंगे। तो ये है हमारा मिनिएचर रोज़। और दूसरा ये है हमारा इंग्लिश रोज़ जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी एक नई शूट निकल रही है, यहाँ से भी एक इसकी नई शूट निकल रही है और ये भी एक पूरी नई ब्रांच इसके ऊपर डेवलप हो रही है। प्लांट के ऊपर जब भी नई ब्रांच डेवलप होती है तो आप उसके ऊपर फ्लावरिंग की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। और ये जो मेरा रोज़ प्लांट है, दिखने में तो आपको लगभग सही लगेगा लेकिन मुझे ये प्लांट में एक प्रॉब्लम दिख रही है फ्रेंड्स, वो है इंसेक्टिसाइड्स की। इसके ऊपर मुझे पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी मेरे यहाँ से मर जाएगा। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके कुछ डैमेज लीव्स यहाँ से, और लीव्स के पीछे भी कुछ मैंने देखा था, कुछ डैमेज लीव्स थे पेस्ट वाले, तो मुझे इसके ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये प्लांट मेरा अच्छा ग्रो कर सके। अगर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो बाद में ये प्लांट मेरे यहाँ मर सकता है। तो ये है मेरा दूसरा इंग्लिश रोज़ का प्लांट, यहाँ से मैंने इसकी ब्रांच कट कर ली थी। लास्ट संडे अपडेट की वीडियो में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक ब्रांच थी लंबी सी, सिर्फ ऊपर के साइड उसके ऊपर लीव्स थे, तो मुझे लगा कि ये पुरानी ब्रांच है तो मैं कट कर लेता हूँ और जो नई ब्रांच यहाँ से डेवलप हो रही है उसको मैं प्रमोट करता हूँ। तो ऐसा मैंने किया है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और ये कुछ जीनिया के सीड्स जो मैंने लगाए थे वो ग्रो हुए हैं और ये कॉक्सकॉम के सीड्स हैं जो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये सारे मेरे हाइबिस्कस के प्लांट्स हैं, ये फ्लावर होके अभी ख़त्म होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे दूसरे नए बर्ड्स निकल रहे हैं जो प्लांट की कंडीशन अच्छी बता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी एक नया बर्ड निकल रहा है, ये मेरा छोटा हाइबिस्कस है देसी, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा हाइबिस्कस का प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा है। तो हाइबिस्कस की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है मेरे अभी, क्योंकि अभी इसकी सीजन चल रही है तो फ्लावरिंग भी इसके ऊपर अच्छे खासे होते हैं। ये फ्रेंड्स ये है मेरा एडेनियम के प्लांट, एडेनियम का प्लांट भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, कुछ येलो लीव्स हो रहे हैं लेकिन एडेनियम के ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीव्स के, क्योंकि एडेनियम के लीव्स की क्वांटिटी कम होती है और उसके ऊपर फ्लावरिंग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर जब तक आपका एडेनियम फ्लावरिंग करता रहेगा तो बाद में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, भले उसके लीव्स झड़ के गिर जाएँ। तो ये मेरा दूसरा हाइबिस्कस का प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स इसके लीव्स का कलर देखिए, इसकी वेंट्स एकदम डार्क कलर की है जबकि इसके लीव्स लाइट कलर के हैं। ये एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की निशानी है, तो मैं इसके अंदर मूंग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगा। मूंग फर्टिलाइज़र बेस्ट है फ्रेंड्स, कुछ ऐसी जब प्रॉब्लम्स होती है आपके प्लांट के अंदर तो मूंग फर्टिलाइज़र अगर आप 10 दिन या तो 15 दिन, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 20-25 दिन तक आप इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है तो आप देख सकते हैं।
मूंग फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सारी जो बेसिक एलिमेंट्स जो प्लांट को चाहिए वो मिलती है। और वो फर्टिलाइज़र को हमें कैसे यूज़ करना है वो पूरी एक मेरी वीडियो मौजूद है, तो आप देख सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो ये मेरा दूसरा एक हाइबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए इसको भी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। तो सेम तरीके से जो लास्ट वीडियो मैंने ये रोज़ प्लांट के पीछे बनाई थी ओवर वाटरिंग की, वो सेम तरीके से मैंने ये प्लांट को भी ट्रीट किया था। और अब ये प्लांट देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और इसके ऊपर नए लीव्स भी आ रहे हैं और धीरे धीरे ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा दूसरा रोज़ का प्लांट है और इसकी जो नई ब्रांच है वो बहुत ही अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि जो ये पुरानी ब्रांच है ये प्लांट की वो मैं कट कर लेता हूँ ताकि पूरी एनर्जी ये नई ब्रांच पे जाए और नई ब्रांच ज़्यादा मोटी हो, इसकी ग्रोथ अच्छी हो और नए नए शूट्स इसके ऊपर से डेवलप हो सकें। लेकिन ये जो पुरानी ब्रांच है उसके ऊपर से भी एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से उसको कट कर लूँगा ताकि ये जो नई ब्रांच है वो ज़्यादा डेवलप हो सके और ये जो हमारी ब्रांच है वो भी अच्छी डेवलप हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी मेरा देसी रोज़ का प्लांट है, उसके ऊपर भी फ्लावरिंग आने की तैयारी है और बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे है। मुझे लगा कि ये फ्लावर शायद मेरा रेडी हो जाएगा, इसके ऊपर भी फ्लावर है, मुझे लगा कि संडे तक ये प्लांट मेरा रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका फ्लावर खिल के तैयार नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स देखिए मैं एक दूसरा देसी रोज़ का प्लांट लाया हूँ नर्सरी से, एक अच्छा खासा गुलाब इसके ऊपर निकला हुआ है और इसके ऊपर 5 लीव्स की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे लगा कि ये प्लांट मुझे ले लेना चाहिए। और इसकी जो स्टेम है वो भी अच्छी खासी मोटी स्टेम है और हर जगह पे 5 लीव्स है, जहाँ पे 5 लीव्स प्लांट के ऊपर रहते हैं वहाँ से न्यू ब्रांचेस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आप प्लांट जब भी सिलेक्ट करें तो ऐसे देखिए कि ब्रांच थोड़ी मोटी हो और 5 लीव्स प्लांट के ऊपर ज़्यादा लगे हों, क्योंकि वहाँ से वो नोड एरिया से नई ब्रांचेस ज़्यादा निकल सकती हैं। फ्रेंड्स ये मैंने बोगनवेली की कटिंग ग्रो की थी, अब देखते हैं ये कटिंग मेरी ग्रो होती है कि नहीं होती। अब तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी कटिंग्स होती है जो मेरी फेल हो जाती है, बहुत सारी ऐसी कटिंग्स है जो पास हो जाती है, जैसे कि ये जो कटिंग है ये मैंने ग्रो की थी और अभी इसके ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है और ये भी एक कटिंग है उसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ रहे हैं और प्लांट भी मेरा अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। दूसरी भी मैं कटिंग बता देता हूँ बोगनवेली की। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक दूसरी बोगनवेली की कटिंग मैंने ग्रो की थी और वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रही है मेरे यहाँ। तो कुछ कटिंग्स अच्छी ग्रो हो जाती है और ये जो कटिंग्स मैंने इसके अंदर सिर्फ डाल के रखी है वो है कनेर की कटिंग्स। अब देखते हैं जब ये इसके ऊपर कुछ नए शूट्स निकले तो अच्छा है। और फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने कल ही किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट सारे मेरे गमले में डाल दिया है, कल रात को ही मैंने डाल के रखा था। तो किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट बहुत ही बढ़िया होता है हमारे प्लांट्स के लिए अगर आपके पास वर्मी कॉम्पोस्ट नहीं हो तो। ये मेरे बोगनवेली है जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स अच्छी फ्लावरिंग हो रही है बोगनवेली पे। और ये है हमारा कॉक्सकॉम का प्लांट जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं, बीज इसके ऊपर घूम रहे हैं, यानी कि पॉलिनेशन की मेथड भी इसके अंदर चलती है। ये फ्रेंड्स ये है हमारा प्लूमेरिया का प्लांट, इसके ऊपर फ्लावरिंग कितनी खूबसूरत हो रही है फ्रेंड्स देखिए। और फ्रेंड्स मैंने प्लूमेरिया के प्लांट के ऊपर वीडियो मैंने बना के रखी हुई है लेकिन मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला है और एक फ्लावर इसके ऊपर से गिर भी चुका है और प्लांट मेरा अच्छा ग्रो हो रहा है, देखिए इसके ऊपर भी अच्छे खासे लीव्स निकले हुए हैं और ये प्लांट के ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावरिंग बर्ड्स निकले हुए हैं। ये प्लूमेरिया प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, मैंने इसके ऊपर अभी एक वीडियो अपलोड करके रखी है, मैं लगभग आज कल मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मैंने अपने व्यूअर्स को ये बोला था कि लास्ट वीक ही मैं अपलोड कर दूंगा लेकिन मुझे टाइम की कमी की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन कल परसों तक मैं ये वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करके दे दूँगा। और ये है हमारा दूसरा बोगनवेली का प्लांट, इसके ऊपर लीव्स की क्वांटिटी अच्छी खासी हो रही है लेकिन प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन ये भी प्लांट फ्लावरिंग करेगा। जब तक आपके प्लांट के ऊपर लीव्स की ग्रोथ होती रहती है तो फ्लावरिंग करने की पॉसिबिलिटी है ही, तो आप वो फ्लावरिंग की ज़्यादा टेंशन ना रखें, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ मेरे प्लांट्स हैं जो मेन प्लांट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये है मेरी संडे अपडेट की वीडियो, अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दिल देने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।